नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट नई शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट की 34,000 पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करने को लेकर दोस्तों, ऑनलाइन फॉरम, परीक्षा तिथि आपकी क्या रहेगी, प्री और मेंस की, लेवल सेकेंड में कितनी पोस्ट रहेगी, दोस्तों लेवल फर्स्ट में कितनी पोस्ट रहेगी, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो नई रीट का ऐलान हो चुका है दोस्तों, लगभग 1,43,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं अभी, जिसमें कि तृतीय श्रेणी के 54,000 से ज़्यादा पद खाली है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि रीट शिक्षा भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्कूलों में शिक्षकों के 1,26,000 पद खाली हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पद हैं दोस्तों, वो आपके यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती के 53,000 पद खाली हैं। इसके अलावा 27,494 पद फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के 29,000 पद दोस्तों अभी भी खाली हैं। इन पदों को भरने को लेकर जल्द ही दोस्तों आपकी नई भर्ती की घोषणा की जाएगी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और थर्ड ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो 34,000 पदों पर आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीट मेंस के रिजल्ट के बाद आएगी नई भर्ती, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, जो नई भर्ती है वो कितने पदों पर आने वाली है, जैसे ही आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद नई भर्ती की घोषणा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही रीट की नई भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी। यह भर्ती 34,000 पदों पर होगी, इसलिए जो भी कैंडिडेट रीट की नई भर्ती की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। एवं इसकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा। आप एक अपडेट के अनुसार जो भर्ती है आपको मई जून के मध्य देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है दोस्तों, और मई जून में आपके आवेदन देखने को मिल सकते हैं। सितंबर तक आपकी प्री के पेपर का आयोजन हो जाएगा, और अक्टूबर और नवंबर में दोस्तों आपके मेंस के फॉर्म भरवाए जाएंगे, और लगभग फरवरी तक मेंस के पेपर का आयोजन भी हो जाएगा। तो रीट की जो नई भर्ती है दोस्तों, वो 34,000 पदों पर आएगी, जिसमें कि अलग अलग पद रहेंगे। 2 वर्षीय कोर्स डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। लेवल फर्स्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास BSTC होना अनिवार्य है। अगर आप लेवल टू में अप्लाई कर रहे हैं तो BEd होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही में ही दोस्तों, जो भर्ती है आपकी लगभग 15,000 पद आपके लेवल फर्स्ट सेकंड में रहेंगे दोस्तों, लेवल फर्स्ट में 19,000 पद रहेंगे। इस प्रकार से 34,000 पदों पर यह भर्ती की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, रीट नई शिक्षा भर्ती को लेकर आप सबके लिए अच्छी अपडेट है, आवेदन जल्द ही दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेंस का रिजल्ट आते ही नई भर्ती की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।